का माहौल है, भक्तिमय हो चुका हो, तमाम जो कलाकार है वो अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम जाने, कहाँ से आप लोग आए हैं? हम दोनों जुड़वा भाई सोनभद्र से आए हुए हैं, काशी से। काशी से आए हैं, बिल्कुल बाबा की नगरी काशी से आए, अयोध्या पहुंचे हैं, लगातार प्रस्तुति दे रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या कहेंगे राम भक्तों के लिए? और हम सभी लोग राम भक्तों के लिए, जो भी योगी मोदी जब से शुरुआत किए हुए हैं और पूरा भारत राममय हो गया है, मैं सुनाता हूँ। अब 500 वर्षों के बाद राम घर आएंगे, राम आएंगे। 500 वर्षों के बाद राम घर आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। जैसे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बात करें तो यहाँ पर हनुमानगढ़ी है, तमाम लोग दर्शनार्थी आते हैं, लेकिन जब से रामलला प्राण प्रतिष्ठा पूरे देश में उत्सव का माहौल बना हुआ है, हर जगह उत्सव मनाया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि उस दिन पूरी तरीके से अपने घरों पर त्यौहार मनाया जाएगा। आप उत्तर प्रदेश से हैं, सोनभद्र से हैं, काशी में भी से आपका जुड़ाव है, वहाँ पे प्रधानमंत्री सांसद रहे, वहाँ से और यहाँ के बाद अगर हम बात करें तो जो काम हो रहा है धर्म के क्षेत्र को लेकर, उस पर क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं योगी और मोदी जी को ऐसा श्रेय अपने गीतों के माध्यम से दूंगा। आके जुग जुग बनावले रहिया, ए हो मोरी मैया, योगी मोदी के सरकार हो। जुग जुग बनावले रहिया, ए हो मोरी मैया, योगी मोदी के सरकार। और मोदी जी 22 तारीख को आ रहे हैं, उनके लिए दो लाइन। सज रही है अयोध्या मेरे राम की, सज रही है अयोध्या मेरे राम की, उस पर मोदी जी का आना गजब हो गया। सज रही है अयोध्या मेरे राम की, उस पर मोदी जी का आना गजब हो गया। और भैया भी हैं जो कि अच्छा अभी आप क्या कहना चाहेंगे राम भक्तों के लिए? राम भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इतने दिन बाद मंदिर बना है, और हिंदुस्तान की जान शान राम जी सारे। और भैया को एक गीत बहुत पसंद है, ना फूल के बंदे हैं ना हाथ के बंदे हैं, ना फूल के बंदे हैं ना हाथ के बंदे हैं, जो राम की बात करे, जो राम की बात करे हम उसी के बंदे हैं, जो राम की बात करे हम उसके बंदे हैं। उत्तर प्रदेश में एक गीत बड़ा फेमस हो रहा है लगातार, अगर हम अपने स्टेशनों पर बसों पर हर जगह बजाया जा रहा है, वो दो लाइन सुनना चाहेंगे आपसे, वो जो गाने लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया, उन गानों को आप दो लाइन सुनना चाहेंगे? मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगा, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगा, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगा, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगा। कैसे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। विरोध भी कर रहे हैं, वो चाहे राजनीतिक रूप से चाहे अलग अलग रूपों से विरोध कर रहे हैं, उन विरोधियों के लिए कोई गाना आपने तैयार किया कि उनको भी सुनाना है? कुछ सुनाऊंगा मैं उन लोग के लिए। आ किसी के बाप की नहीं अयोध्या राम लला का धाम है, किसी के बाप की नहीं अयोध्या राम लला का धाम है। अरे भारत के नायक रघुनायक कौशल्यानंदन राम है, भारत के नायक रघुनायक कौशल्यानंदन राम है। लगातार जो जश्न का माहौल है वो किया जा रहा है, और यहाँ पर अलग अलग तरीके से अपना अपना प्रस्तुति दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरीके से जो राम भक्त है, जो दूर दराज से आए हुए हैं, वो अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। समाज के तरफ से आप भी कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि तमाम संत समाज के जो लोग आए हैं, आप देखिए जश्न का माहौल है, करें तो पूरा अयोध्या जो है वो भक्तिमय हो चुका है, और हर कोई जश्न का माहौल। साइकिल को ये जो उनका राम पर साइकिल है, ये क्योंकि अहमदाबाद से चल के आए थे, और ये अभी भी नंगे पांव, एक अपना संकल्प भी लिया था कि जब मंदिर का निर्माण हो जाएगा उसके बाद ही कुछ पहनेंगे, क्योंकि तब से ये नंगे पांव चल रहे हैं और अहमदाबाद से यात्रा करके आए हैं। और इसी तरीके से दूर दराज से तमाम जो राम भक्त हैं वो अयोध्या पहुंच रहे हैं, और पूरा अयोध्या
राममय हो गया, भक्तिमय हो गया है और इस राम पद पर हर कोई अपने श्री राधा श्री राम के दर्शन करने की सुबह से ही भक्तों का जो तांता है वो लगा हुआ है। लंबी कतारें इस राम पद पर हम दिखाना चाहेंगे, जो लंबी कतारें हैं लोग श्री राम के जो झंडे हैं वो लेके निकल रहे हैं, माथे पर तिलक है जय श्री राम के नारों के साथ ये जो भक्त हैं वो निकल रहे हैं। और पूरी अयोध्या की अगर हम बात करें तो एक जश्न का माहौल है, उत्सव का माहौल है और लगातार जो राम भक्त है वो कर रहे हैं। हमारे साथ और साधु संत समाज के लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो नाम जानेंगे, कहाँ से हैं आप लोग? मेरा शुभ नाम धर्मेंद्र मिश्र, श्री धाम अयोध्या सागरिया पट्टी हनुमानगढ़ी से हैं। जी अगर हम बात करें तो इस वक्त क्योंकि थोड़ा सा इधर हम आना चाहिए क्योंकि काम चल रहा है तो उनको भी हम लोग बाधा नहीं करेंगे। आपसे बात करेंगे कि अयोध्या में लगातार स्वरूप बदल रहा है, जो आज श्री रामलला विराजमान होना चाहेंगे होने वाले हैं 22 जनवरी को प्रधानमंत्री करेंगे, उसको क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आप लोगों का एक बड़ा उत्सव का दिन है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सभी राम भक्त आए और जो ना आ पाते वो कुछ दिन कुछ क्षणों के रुक के आए। राम की जय हो, राम की जय हो। राम करने रावण का संहार गए थे सागर के उस पार, राम की जय हो, राम की जय हो। जो है सरकारों के सरकार, जो है सरदारों के सरकार, राम की जय हो, राम की जय हो। जो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें प्रभु राम के प्रति प्यार नहीं, जिसमें राम जी के प्रति प्यार नहीं, प्यार है। और इसी तरह प्रेम उत्साह उमंग आप देख सकते हैं, देखना चाहेंगे। और जो मेरे पीछे तस्वीर है उनको भी हम दिखाएंगे कि लगातार काम चल उसके बावजूद भी यहाँ पर जो राम भक्तों का जो तांता है वो लगा हुआ है और तमाम जो राम भक्त हैं। और ये जो ये वो औरतें हैं जो कलश लेकर निकलने वाली हैं, आप देख सकते हैं कि ये पूरी दुल्हन के श्रृंगार में है और ये कलश, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? कलश लेकर आप लोग जाएंगे अंदर? कलश लेके आए थे हम लोग, कलश जी, कलश गया। कैसा लग रहा है अयोध्या में? क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है, कितनी लोग संख्या है जो ये सभी? ये संख्या पहले निश्चित की गई थी लेकिन ज्यादा हो गई है, लगता है 400-500। कोई भजन कोई प्रस्तुति देना चाहती है अगर कलश राम भक्तों के लिए? आप लोग राम आएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, दिवाली घर से लेके अयोध्या पूरा पूरा बड़ा दिन है कि आप लोगों ने वो भी दिन है, अब अयोध्या में नया मंदिर बनके तैयार हो रहा है, तो आप लोगों के लिए कैसा लग रहा है ये? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए अयोध्या से ही लोग हैं और ये लोग कलश लेकर आए थे राम श्री राम जन्मभूमि के लिए और ये पूजन करने जा रही है। और क्योंकि एक विधि विधान होता है कि लगातार क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा तो अलग अलग होता है और ये नगर की वो मधुमेह हैं, ये अयोध्या की मूल निवासी हैं, जो सभी लोग पूरे श्रृंगार होकर यहाँ पर निकली हैं कलश यात्रा के साथ। और आप देख सकते हैं कितने तरीके से सुंदर तरीके से सजी हुई है और ये अलग अलग दिन पर अलग अलग कार्यक्रम किया जाएगा और इस तरह की जो मधुमेह कल भी एक यात्रा की जाएगी, पूजा किया जाएगा। और इसकी तैयारियों को लेकर अगर हम बात करें तो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से किया गया है कि सभी ये लोग जाएं और हर कोई इसमें शामिल हो, यानी कि अयोध्या से जुड़ा हर कोई जो है वो यहाँ पर पहुँच रहा है और ये सभी लोग यहाँ पर जो है वो पूजा पाठ में शामिल होने के लिए, हिस्सेदारी लेने के लिए यहाँ पर पहुँच रही है। समीर के साथ अश्विन सिंह, पंजाब केसरी, अयोध्या।